हाँ, तो ये जो मकर संक्रांति का दिन है, तो संक्रांति मतलब क्या होता है? संक्रांति मतलब जो सूर्य है, सन, वो एक फेज से होके नेक्स्ट फेज में वो जाता है। संक्रांति महीना का एंड होता है, जैसे तो एक फेज से दूसरा फेज में जाता है सन। तो ये मकर संक्रांति का दिन एक्चुअली ये देवताओं का दिन का शुरुआत है ये। तो हम लोग जानते हैं कि मनुष्य का दिन और देवताओं का दिन में अंतर है। इस ब्रह्मांड में 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स, 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, और जितने भी देवताएं हैं वो लोग स्वर्ग लोक में रहते हैं, जो मेटेरियल वर्ल्ड में ही है। उधर पे भी जन्म मृत्यु है, जन्म मृत्यु का साइकिल है। तो इस भूलोक के ऊपर 6 लोक है और इसके नीचे 7 लोक है। टोटल मिला के 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स बन रहा है। सबसे ऊपर का प्लैनेटरी सिस्टम में ब्रह्मा जी रहते हैं, ब्रह्मलोक या सत्यलोक उसको कहा जाता है। तो ब्रह्मा का जो आयु है वो बहुत ज्यादा है, हम लोग का तुलना में ब्रह्मा का आयु बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। तो अब ब्रह्मा से, ब्रह्मा जी तो सबसे टॉप मोस्ट प्लैनेटरी सिस्टम सत्यलोक में रहते हैं। अब स्वर्ग लोक में जितना भी देवी देवताएं हैं, उन लोग का भी लाइफ स्पैन जो है वो पृथ्वी लोक से ज्यादा है। उन लोगों का 1 साल, सॉरी, हम लोगों का 1 साल, उन लोगों का 1 दिन है। हम लोग जैसे 360 डेज, ऑलमोस्ट 360 डेज का, 365 डेज, वैदिक कैलेंडर में 360 डेज है। तो 360 दिन, मनुष्य का 360 दिन, देवताओं का 1 दिन है। दिस इज द टाइम रिलेटिविटी। जैसे हम लोग देखते हैं ना, फिजिक्स का बुक में हम लोग को मिलता है रिलेटिविटी ऑफ टाइम स्पेस। दिस टाइम रिलेटिविटी एंड स्पेस रिलेटिविटी, इट इज ऑलरेडी देयर इन द वैदिक स्क्रिप्चर्स। इट इज नॉट ए न्यू थिंग फॉर द वैदिक स्क्रिप्चर्स। तो जो पूरा यूनिवर्स में कैसे, कौन सा प्लैनेटरी सिस्टम्स कहाँ पे है, सूर्य का कहाँ पे अवस्थान है, कैसे सूर्य एक एक राशि से नेक्स्ट राशि में जाता है, संक्रांति कैसे होता है, और बहुत सारा डिटेल्स वैदिक स्क्रिप्चर्स में, श्रीमद् भागवतम में, श्रीमद् भागवतम का 5th कैंटो में ये डिटेल्स दिया हुआ है। यूनिवर्स का स्ट्रक्चर, कैसे प्लैनेटरी सिस्टम्स मूव करता है, कैसे दिन रात होता है, कैसे सीजनल चेंजेस होता है, ये चीजें जो हम लोग मॉडर्न साइंटिफिक बुक्स में पढ़ते हैं, और जो वैदिक जो सिस्टम है, वैदिक ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर जो है यूनिवर्स का, वो अलग है, बहुत ही बहुत डिफरेंट है। लेकिन हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, सीजनल चेंज, दिन रात का ये चेंज, कौन सा प्लैनेटरी सिस्टम कैसे मूव कर रहा है, सब कुछ डिटेल्स में दिया हुआ है वैदिक स्क्रिप्चर्स में, स्पेशली श्रीमद् भागवतम का 5th कैंटो में ये दिया हुआ है। कौन सा लोक में कौन रहते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ डिटेल्स है। तो हम लोग का इमेजिनेशन से परे है, वी कैनॉट इमेजिन हाउ वंडरफुल दिस स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स इज, सो साइंटिफिक इट इज गिवन, सो साइंटिफिक। तो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस पूरा पूरी हम लोग को मिलता है वैदिक स्क्रिप्चर से। तो सूर्य सिद्धांत में जैसे डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ जो दिया हुआ है, सूर्य और जो पृथ्वी लोक है, पृथ्वी
पृथ्वी और सूर्य में कितना डिस्टेंस है, दैट इज कैलकुलेटेड ऑलरेडी. श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गेव द एग्जैक्ट कैलकुलेशन ऑफ दैट. एंड मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी वो भी वही फिगर के आसपास में वैल्यू देता है. तो ये जो 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, इसमें जो स्वर्ग लोक है, जो स्वर्ग लोक का जो रेसिडेंट्स है, उन लोगों का एक दिन मतलब हम लोगों का एक साल. और मकर संक्रांति के दिन, मकर संक्रांति का दिन देवताओं का दिन का शुरुआत होता है. दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द डे फॉर द डेमिगॉड्स. देवता देवता है स्वर्ग लोक में रहते हैं. दे आर ऑल्सो नॉट परमानेंट, दे ऑल्सो हैव बर्थ एंड डेथ, दे आर नॉट इटर्नल, बिकॉज स्वर्ग लोक भी इस मेटेरियल वर्ल्ड में है. स्पिरिचुअल, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि स्वर्ग लोक ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो सच्चाई नहीं है. तो ये है स्पेशलिटी इस मकर संक्रांति. जैसे दिन का जैसे शुरुआत होता है तो सब स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करता है. ये वैदिक सिस्टम है. दिन का शुरुआत होते ही ब्रह्म मुहूर्त से स्पिरिचुअल एक्टिविटी चालू करना चाहिए. तो ये ऑस्पिशियस रहता है, मॉर्निंग का टाइम ऑस्पिशियस रहता है. तो देवता लोग का मॉर्निंग स्टार्ट हो रहा है इस टाइम से, मकर संक्रांति से. तो इसलिए सब लोग इस दिन को बहुत ही ऑस्पिशियस और पुण्य का तिथि रूप में इसको पालन करता है. तो मकर संक्रांति ये ऐसा दिन है जो जिस दिन गंगा समुद्र के साथ मतलब गंगा समुद्र में वो क्या बोलते हैं हिंदी में, सबमर्स्ड, जो मिलन हो गया गंगा को समुद्र से, मिलन हो गया उस दिन मकर संक्रांति के दिन. तो गंगा जी के बारे में हम लोग बहुत सारा पास्ट टाइम सुनेंगे आज को, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. बिकॉज चैतन्य महाप्रभु का जो लीला है इसमें भी गंगा देवी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. तो हम लोग जैसे मायापुर में गए थे, हाँ, तो गंगा स्नान इस बार नहीं कर पाए हम लोग. तो इसके पहले बार जब गए थे हम लोग गंगा स्नान किए थे सीधा मायापुर में. ये मायापुर में भी भगवान का ये जो नित्य पार्षद है गंगा देवी, ये बह रहा है. तो गंगा देवी के बारे में हम लोग बहुत कुछ आज को सुनेंगे. तो ये गंगा देवी ये कोई ऑर्डिनरी रिवर नहीं है. गंगा देवी का जो पानी है कोई ऑर्डिनरी पानी नहीं है. भक्ति रसामृत सिंधु में, भक्ति रसामृत सिंधु का चैप्टर 7 में ये कहा गया है कि गंगा का जो पानी है उसमें भगवान का जो लोटस फीट है, भगवान का जो पाद पद्म है, उसमें जो तुलसी का पत्ता जो है, भगवान का पाद पद्म में तुलसी का पत्ता दिया जाता है. और भगवान का ये जो तुलसी का पत्ता का जो एरोमा है, जो सेंट है, वो गंगा पानी में हर टाइम वो बह रहा है. और ये गंगा का जो पानी है ये भगवान का चरणामृत है. कैसे भगवान का चरणामृत है वो हम लोग देखेंगे. तो माता गंगा हर टाइम भगवान कृष्ण का ग्लोरीज को स्प्रेड कर रहा है. भक्ति रसामृत सिंधु में दिया है, जहां पर भी गंगा फ्लो करता है उस जगह, वो जगह बोथ एक्सटर्नली और इंटरनली, बाहरी रूप से और अंदरी रूप से, बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली वो जगह पवित्र हो जाता है. तो गंगा का तट में जो निवास करना बहुत ही शुभ है. और इसी गंगा का तट में श्रीमद् भागवतम भी बोला गया था. सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम का नॉलेज दिया था. तो बहुत हजारों साल पहले एक बार क्या हुआ, देवता और जो राक्षस है उन लोगों में युद्ध हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया.
और जो राक्षस है वो लोग देवता के जो स्वर्ग लोक है उसमें घुस गया। और देवता लोग, देवता कौन है? देवी देवता जो भगवान के द्वारा अपॉइंटेड है इस यूनिवर्स को मैनेज करने के लिए, वो तो भगवान के सेवक है देवी देवता है। तो कुछ भी प्रॉब्लम होता है, इंद्र को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो भगवान को अप्रोच करता है। ये एक अच्छा चीज है देवता में। ये एनी प्रॉब्लम इंद्र हैज ही अप्रोचेस सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो सभी देवी देवता है भगवान के पास गया और उनको बोला कि हमें प्रोटेक्ट कीजिए, इस हेवनली किंगडम को बचाइए, ये स्वर्ग लोक को बचाइए। तो भगवान बोला कि ठीक है, हम बचाएंगे आप लोगों को। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि बलि महाराज कौन है? बलि महाराज प्रहलाद महाराज का ग्रैंडसन है। प्रहलाद महाराज का नाती, और उसको हिंदी में क्या बोलता है? ग्रैंडसन को हिंदी में क्या बोलता है? दादू। ग्रैंडसन पोता। प्रहलाद महाराज जो भगवान के महान भक्त हैं, तो ये बलि महाराज उनका पोता, वो भी दैत्य कुल में जन्म लिया था। और दैत्य कुल का जो दैत्य का जो डिमोन्स का जो गुरुदेव है वो शुक्राचार्य, और देवी देवताओं का जो गुरु है वो है बृहस्पति। हम लोग लास्ट पेज में बृहस्पति का बारे में सुन रहे थे। तो शुक्राचार्य को बहुत खुश कर दिया बलि महाराज ने, और वो बहुत पावरफुल हो गया उनका कृपा से। तो इतना पावरफुल हो गया बलि महाराज कि आराम से इंद्र को हरा के वो हेवनली किंगडम वो दखल कर लिया। तो भगवान बोला ठीक है, अभी कोई पावर काम ही नहीं कर रहा था। और इधर पे इंद्र का प्रॉब्लम क्या हुआ था? इंद्र उनका जो गुरुदेव है, जो देवी देवता का गुरुदेव है बृहस्पति का अपमान कर दिया था इंद्र, और उनका पावर चला गया था। तो क्या हुआ, इंद्र वीक हो गया और उनको राज सिंहासन छोड़ना पड़ा। और बलि महाराज अटैक करके पूरा हेवनली प्लैनेट्स को कैप्चर कर लिया सब। तो अभी कोई उपाय नहीं था इंद्र के पास, भगवान के पास अप्रोच किया। तो भगवान बोला ठीक है, हम वामन देव का रूप में हम आएंगे और हम आपको सहायता करेंगे। तो अभी बलि महाराज एक यज्ञ कर रहा था। उस टाइम पे वामन देव, भगवान का अवतार, भगवान कृष्ण का अवतार वामन देव बलि महाराज के पास आया। एक ब्राह्मण का रूप में, एक छोटा ब्राह्मण का रूप में बलि महाराज के पास आया। और बलि महाराज से 3 पद भूमि मांगा। कौन? वामन देव। तो शुक्राचार्य उनको मना किया कि तुम इस छोटे से ब्राह्मण बालक के बात मत सुनो। तुम ये ब्राह्मण बालक और कोई नहीं है, ये भगवान वामन देव है, भगवान विष्णु स्वयं है। लेकिन बलि महाराज बहुत दान देता था, चैरिटी, बहुत ही चैरिटेबल व्यक्ति था बलि महाराज, बहुत दान। तो बलि और उनके गुरुदेव कौन? शुक्राचार्य। वो बोल रहा है कि अब भगवान को आप ये, भगवान ये चीज मांग रहा है वो मत दो। तो बलि महाराज शुक्राचार्य को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि गुरु का एक्चुअल काम होता है, एक्चुअल जो कार्य होता है गुरु का, वो भगवान को, भगवान के पास लेके जाना, भगवान के पास सरेंडर करवाना। लेकिन इधर पर शुक्राचार्य उल्टा काम कर रहा था। तो भगवान एक चीज मांग रहा है तो उसको नहीं देने के लिए बोल रहा था, तो बलि महाराज रिजेक्ट कर दिया। तो यह यहाँ गुरु का जो लक्षण है
वो हम लोग को समझना चाहिए। गुरु वो व्यक्ति है जो भगवान के पास हम लोग को लेके जाता है। वो अगर बाधा सृष्टि करेगा भगवान और हम लोगों में, तो वो एक्चुअली गुरु नहीं है। कोई बहुत सारे गुरु भारत में वो बोलता है कि हम ही भगवान हैं, तो ये भी गलत है। गुरु मतलब भगवान के प्रतिनिधि, बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव, जो भगवान के पास कैसे अप्रोच करना है वो सिखाता है। तो बलि महाराज ये शुक्राचार्य को रिजेक्ट कर दिया और बामनदेव को बोला कि हम आपको 3 पद का जो लैंड है वो देंगे। तो छोटा सा बालक था, 1 पद में पूरा लोअर प्लैनेटरी सिस्टम को कवर कर लिया। इतना बड़ा साइज हो गया बामनदेव का, जो मतलब बहुत ही ज्यादा ह्यूज साइज, ह्यूज जाइगेंटिक साइज। हम लोग भगवान का मत्स्य सा अवतार में भी ये सुनते हैं कि छोटा सा मछली था, लेकिन उस मछली का साइज इतना बढ़ने लगा विद इन फ्यू मोमेंट्स। इसी तरीके से वामन देव, कृष्णा द सुप्रीम लॉर्ड, ही कैन बी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट। जनरली पीपल इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड, मेटेरियल वर्ल्ड के लोग सोचते हैं कि हम बड़ा होंगे तो भगवान के साथ कॉम्पीट करेंगे, लेकिन भगवान तो सभी एटम में परमात्मा का रूप में है, सबका हार्ट में परमात्मा का रूप में है। तो भगवान छोटा से छोटा भी हो सकता है, वो कोशिश नहीं करता है। लोग सोचते हैं कि हम बड़े से बड़े हो गए सिर्फ। तो वामन देव कुछ ही मिनट्स में, कुछ ही मोमेंट्स में बहुत बड़ा साइज हो गया उनका। उनका एक पैर से पूरा एकदम पाताल लोक से पूरा अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल सब 7 प्लैनेटरी सिस्टम्स को पूरा एकदम कवर कर लिया एक स्टेप से। सेकेंड स्टेप से क्या हुआ, पूरा हेवनली प्लैनेट्स को, पूरा ऊपर का जो प्लैनेटरी सिस्टम्स है, भूलोक भूवर लोक स्वर्ग ऊपर का प्लैनेट सत्यलोक, और भगवान जब ऊपर का प्लैनेटरी सिस्टम में जब उनका पैर को रखा, तो वो पैर इतना बड़ा साइज था उसका, इतना बड़ा साइज हो गया उनका पैर का कि वो यूनिवर्स का जो कवरिंग है उसको भेद कर दिया। हिज लोटस फीट रीच द लिमिट ऑफ द यूनिवर्स and it pierced the material covering of the universe. Universe का 7 covering होता है। ये universe अंडाकृति का है, it is egg shaped, और उनका जो covering, जो universe का covering होता है वो 7 layers रहता है उसमें, 7 layers are there. तो वो 7 layers को भेद कर दिया universe को, और यूनिवर्स कहां पे फ्लोट कर रहा है, कारण समुद्र में फ्लोट कर रहा है यूनिवर्स, कारण ओशन, जिस कारण ओशन में करुणादक्षाय विष्णु शयन कर रहा है, उस कारण समुद्र का पानी इस यूनिवर्स में घुस गया। जहां पे भगवान का जो पैर, जहां पे यूनिवर्स का जो कवरिंग है उसको जब जहां पे उसको पियर्स कर दिया, वहां पे छेद कर दिया, उस छेद से कारण समुद्र का पानी इस यूनिवर्स में घुस गया, और वही कारण समुद्र का जो पानी है वही है मां गंगा। और ये जो कारण समुद्र का पानी भगवान का लोटस फीट, वामन देव का लोटस फीट पाद पद्म को टच किया, और उसके बाद इस यूनिवर्स में फ्लो होने लगा। तो इसलिए ये भगवान का चरणामृत है, जो माँ गंगा है वो भगवान का चरणामृत है। तो इस तरीके से गंगा देवी इस यूनिवर्स में उनका प्रकट हुआ। तो गंगा देवी, ये जो कारण समुद्र है, ये एक्चुअली स्पिरिचुअल वर्ल्ड का ये
ओशन है, ये कोई ऑर्डिनरी ओशन नहीं है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का ये ओशन है। तो कारण समुद्र का ये पानी यही है गंगा देवी। तो गंगा देवी जब हेवनली प्लैनेट्स में, पहले तो ऊपर का लोक में आएगा, ब्रह्मलोक से होके स्वर्ग लोक उधर पे पहले बहने लगा। तो अभी जो गंगा देवी है वो इस पृथ्वी में कैसे आया, उसका एक बहुत बड़ा लीला है, बहुत ही रोमांचक लीला है, उसमें हम लोग आएंगे। तो इस तरीके से गंगा देवी का प्रकट हुआ, गंगा देवी इस मेटेरियल वर्ल्ड, इस यूनिवर्स में प्रकट हुआ। तो श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम में लिख रहे हैं कि जो गंगा है, माँ गंगा है, वो पतित पावनी बोला जाता है उसको, पतित पावनी, क्योंकि जितना भी पाप करने, जो पापी व्यक्ति है जब गंगा में नहाता है तो उनका पाप धुल जाता है। जो भी रेगुलरली गंगा में नहाता है वो एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों ही उसका प्यूरिफाइड हो जाता है, क्लीन होने लगता है उनका। गंगा के पानी में जो रेगुलरली नहा रहा है उनका जो शरीर है बहुत सारे तरीके का जो रोग व्याधि है उससे मुक्त हो जाता है वो। और गंगा में तर्पण करके, गंगा में नहाने से उनका जो भक्ति का एटीट्यूड, डिवोशनल एटीट्यूड, भक्ति का एटीट्यूड, भगवान के प्रति सरेंडर का एटीट्यूड वो आता है, इतना इफेक्ट है। तो जहां पर भी भारतवर्ष में जहां पर भी गंगा है तो बहुत ही होली जगह है वो। तो एक्चुअली कुछ साइंटिस्ट लोग भी, जैसे ब्रिटेन का कुछ साइंटिस्ट लोग भी मैं सुना था, कुछ एज से उनका नाम था, हैनबरी ऐसा कुछ नाम था। तो वो लोग साइंटिस्ट बहुत साल पहले, मैंने 100 साल पहले गंगा का पानी को रिसर्च किया था। तो गंगा का पानी में जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, सिर्फ गंगा का ही नहीं, गंगा और यमुना का, दोनों का वाटर में, जो पानी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, तो ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है। जो श्रीमद् भागवतम बोल रहा है कि गंगा का पानी में कोई नहाता है तो इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों क्लीन होता है, तो एक्सटर्नल क्लीननेस के बारे में साइंटिफिक प्रूफ भी है। तो चरणामृत है ये, एक्चुअली कोई ऑर्डिनरी वाटर नहीं है, भगवान का चरणामृत है। तो नवद्वीप धाम में गंगा बह रहा है। तो एक बार क्या हुआ था कि एक बहुत ही सुंदर पास टाइम है भगवान चैतन्य महाप्रभु का और इस गंगा माता के बीच में। तो नवद्वीप मंडल वो 9 आइलैंड्स है उसमें। जो लोग नवद्वीप में गया था वो लोग उधर पे हम लोग इससे चर्चा किए, 9 आइलैंड्स हैं। तो ये 9 आइलैंड्स नवद्वीप, जहाँ पे उसके सेंट्रल आइलैंड अंतरद्वीप है, वहां पे भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुआ, उसको अंतरद्वीप कहा जाता है। और उसके चारों ओर 8 और आइलैंड है, टोटल 9 आइलैंड्स, 9 आइलैंड्स। दिस 9 आइलैंड्स रिप्रेजेंट द 9 प्रोसेसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रोसेसेस जो है भगवान का भक्ति का 9 प्रोसेसेस है। उसमें सबसे जो प्रमुख श्रवणम कीर्तनम, तो ये 9 आइलैंड्स रिप्रेजेंट करता है 9 प्रोसेसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस को। और ये 9 आइलैंड्स को डिवाइड किसने किया है, ये मदर गैंजेस। बीच में नदियां है, हम लोग जब मायापुर जाते हैं तो नदी पार करना पड़ता है, बोट राइड करना पड़ता है। तो 9 आइलैंड्स इस तरीके से डिवाइडेड है। तो गंगा देवी ये नवद्वीप में बहुत ही स्पेशल है। भक्ति विनोद ठाकुर ये बोल रहा है कि जो नवद्वीप में जो गंगा है उसका जो पानी है गंगा देवी, वो गौरांग प्रेम दे सकता है,
What is Gauranga Prem? Love for Lord Gauranga. That is Lord Chaitanya Mahaprabhu. Specially, agar koi Gaur Purnima ka din, Gaur Purnima ka din agar koi Ganga pe nahata hai, Navadvip Dham mein, to unko Gauranga Prem ka prapti hota hai. That is love for Lord Gauranga. So much special. So Bhagavan Chaitanya Mahaprabhu प्रतिदिन गंगा में नहाने आता था, छोटा से, एकदम छोटा से. बहुत सारे लीला है भगवान चैतन्य महाप्रभु का गंगा स्नान का, बहुत सारे लीला है. तो सब लीला में तो आज को मैं नहीं जाऊंगा, एक छो लीला बस बताएंगे. तो एक बार क्या हुआ कि भगवान चैतन्य महाप्रभु जब छोटा था तो गंगादास पंडित का टोल में वो पढ़ाई लिखाई करता था. गंगादास पंडित उनका टीचर था. तो गंगादास पंडित कौन है? कृष्ण किनके पास शिक्षा लिया था, किसी को पता है? भगवान कृष्ण किसी के किनके पास शिक्षा लिया था? उज्जैन में. एनीबॉडी कैन टेल? सांदीपनि मुनि आश्रम. वही सांदीपनि मुनि, वही गंगादास पंडित के रूप में आया चैतन्य लीला में. तो गंगादास पंडित का टोल में जब निमाई पढ़ाई लिखाई कर रहा था तो एक बार चैतन्य महाप्रभु वो एक भाव लिया था, प्रतिज्ञा लिया था कि गंगा पे सिर्फ नहाने के टाइम ही पैर रखेगा, उसके अलावा अगर नहा नहीं रहा है भगवान तब गंगा में पैर नहीं रखेगा. ये भाव लिया था चैतन्य महाप्रभु, ये मतलब प्रतिज्ञा लिया था. तो गंगादास पंडित को, उनका जो टीचर है, उनको पता था कि निमाई, चैतन्य महाप्रभु का छोटा, जब छोटा था तब उनका नाम था निमाई, नीम ट्री के नीचे भगवान का जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम हुआ निमाई. तो निमाई पंडित उसी नीम ट्री, वही सेम नीम ट्री अभी भी है, हम लोग गए थे लास्ट वीक. तो निमाई पंडित जब ये भाव लिया तो उनके उनके जो गुरुदेव है उनको पता चल गया कि निमाई ये प्रतिज्ञा लिया है कि गंगा में पैर नहीं रखेगा, सिर्फ नहाने के टाइम पैर रखेगा और कभी पैर नहीं रखेगा. तो गंगादास पंडित इसको टेस्ट करने वाला था, भगवान को परीक्षा लेने वाला था कि कैसे ये सही में भगवान, ये निमाई भगवान है कि नहीं, देखते हैं, टेस्ट करते हैं. अगर भगवान है तो ये प्रतिज्ञा को जरूर पालन करेगा. तो गंगादास पंडित क्या किया, तो जब नहाने गया, गंगादास पंडित निमाई को रिक्वेस्ट किया कि तुम मेरे साथ चलो नहाने, एक साथ नहाने जाएंगे आज को. तो दोनों मिलके गया, निमाई पंडित, चैतन्य महाप्रभु, निमाई पंडित और गंगादास पंडित दोनों मिलके गया गंगा स्नान में. तो दोनों मिलके नहाया गंगा में. उसके बाद गंगादास पंडित एक पूजा करता था गंगा देवी को, सरसों का दाना से पूजा करता था, नहाने के बाद पूजा करके तर्पण करके फिर उठता था. तो निमाई का नहाना हो गया, निमाई उठ गया, उठ के फिर कपड़ा पहनने लगा. अभी गंगादास पंडित का नहाना हो गया, उसके बाद पूजा स्टार्ट करेगा गंगा का, गंगा में बीच में रह के, पानी में रह के पूजा स्टार्ट करेगा, तर्पण स्टार्ट करेगा. तो सरसों का दाना से तर्पण होता था, तो सरसों का दाना का जो जो पैकेट था उसको गंगा का तट में रखा था. तो निमाई पंडित को बोला कि वो सरसों का दाना का जो पैकेट है उससे सरसों दाना लेके मेरे पास आओ. और गंगा और गंगादास पंडित वो मतलब एकदम गंगा का साइड में नहीं था, थोड़ा दूर पे था. अब निमाई को अगर देना है वो सरसों का दाना को, अपने टीचर को अगर देना है तो वो उनको
गंगा का पानी में पैर लगाना ही होगा, नहीं तो नहीं दे पाएगा, क्योंकि काफी मतलब एकदम साइड में नहीं है, काफी भीतर है गंगादास पंडित। तो अभी भगवान गंगादास पंडित भगवान को टेस्ट कर रहा है कि निमाई तो बोला था कि कभी भी पैर नहीं रखेगा गंगा में, नहाना हो गया उनका, नहाने के टाइम के अलावा कभी गंगा में पैर नहीं देगा, इतना रेस्पेक्ट था चैतन्य महाप्रभु का गंगा के प्रति। तो अभी देखते हैं चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित कैसे मेरे को ये सरसों का दाना मेरे पास मेरा हाथ में देता है। तो जब अभी उनका जो पैर है, अब गंगादास पंडित उनका पैर को देख रहा था बार बार कि टच करता है कि नहीं करता है गंगा का पानी से। नाउ क्या हुआ, अद्भुत लीला हुआ, चैतन्य महाप्रभु अपना पैर को गंगा का पानी में रखने ही वाला था, उस टाइम पे एक लोटस फ्लावर प्रकट हो गया, एक पद्म फूल लोटस फ्लावर प्रकट हो गया और उनका पैर का नीचे सडनली प्रकट हो गया। और भगवान ने निमाय पंडित ने उसको उस पद्म के ऊपर पैर रखा और नेक्स्ट स्टेप दिया तो और एक लोटस फ्लावर प्रकट हो गया, तो उसके ऊपर निमाय पंडित पैर रखा। इस तरीके से निमाय का जो पैर है वो गंगा का पानी में टच नहीं किया। तो देखिए भगवान का जो लीला है, सोचिए वो जो लोटस फ्लावर जो प्रकट हो गया वो और कुछ नहीं, गंगा देवी का हाथ था, वो गंगा देवी का चार हाथ है एक्चुअली। तो दो हाथ से गंगा देवी आशीर्वाद, दो हाथ से अभय प्रदान करता है, इस तरीके से जो हाथ, जब हाथ रहता है कि कोई भी देवी देवता का, तो अभय प्रदान कर रहा है, और इस तरीके से जब हाथ रहता है तब वरदान दे रहा है। तो चार हाथ है गंगा देवी का। तो उस वो जो लोटस फ्लावर्स था वो कुछ नहीं, वो गंगा देवी का हाथ था। गंगा देवी नहीं चाहते थे कि भगवान अपना जो प्रतिज्ञा है वो भगवान का प्रतिज्ञा टूटे, ये भक्त नहीं चाहता है, और भगवान नहीं चाहता है कि भक्तों का प्रतिज्ञा टूटे। इस तरीके से भक्त और भगवान एक दूसरे को सेवा करते रहता है। तो ये लीला हुआ, तब गंगादास पंडित को पूरा समझ में आ गया कि निमाई पंडित, ये जो निमाई है ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं भगवान है। तो ये लीला हुआ था गंगा देवी और चैतन्य महाप्रभु निमाई का बीच में। और भी बहुत सारा लीला है गंगा देवी का बारे में और चैतन्य महाप्रभु का बीच में। तो अभी जो मायापुर में उधर पे गंगा देवी का एक मंदिर भी बनाया गया है, जहाँ पे डेली इस्कॉन पूजा करता है, सीधा मायापुर में गंगा देवी का पूजा डेली होता है। तो गंगा देवी, हम लोग तो सुने कि गंगा देवी कैसे कैसे स्वर्ग लोक में आया, यूनिवर्स में घुसा कैसे, वो हम लोग सुने, लेकिन अपर प्लैनेटरी सिस्टम से, देव लोक से, स्वर्ग लोक से, ये पृथ्वी लोक में कैसे गंगा देवी आया, उसका पीछे बहुत ही रोमांचक एक कहानी है। पृथ्वी लोक में कैसे आया, यूनिवर्स को कवरिंग फोड़ के तो अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स में रह गया था, तो उसका पीछे कहानी हम लोग सुनेंगे। तो क्या हुआ था, एक राजा था, उनका नाम था सागर, महाराज सागर, सागर राजा। उनके 60,000 पुत्र थे, उनका दो वाइफ था एक्चुअली, दो वाइफ का नाम मैं भूल जा रहा हूँ, कुछ एस से कुछ नाम था। तो एक वाइफ से एक तो लड़का पैदा हुआ, दूसरा वाइफ से 60,000 लड़का पैदा हुआ। तो पहला वाइफ था, जो एक लड़का जो पैदा हुआ था वो अच्छा नहीं था, बेकार पुत्र था, बदमाश निकला पूरा। और जो 60,000 दूसरा वाइफ से जो 60,000 पुत्र निकला, वो काफी अच्छा था, सो बहुत ही स्ट्रांग थे और बहुत ही ब्रेव, होशियार सब लड़का लोग था। तो सागर महाराज का, सागर राजा का जो ये 60,000 पुत्र हैं, तो ये सागर महाराज
अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय किया, 100 अश्वमेध यज्ञ। तो वेदों में यह वर्णन है कि कोई भी व्यक्ति जब 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेगा तो वो इंद्र का पद को प्राप्त करेगा। इंद्र का जो पद है वो एक पोस्ट है, एक पोस्ट है, ये परमानेंट नहीं है। जैसे प्राइम मिनिस्टर, वो एक पोस्ट है, वहां पे नरेंद्र मोदी जी भी बैठे हुए हैं। सिमिलरली इंद्र का जो पद है वो एक पोस्ट है, एक एक जन आता रहता है, वो चेंज होता है। तो कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी में अगर 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेगा तो वो इंद्र बन जाएगा नेक्स्ट लाइफ में। दिस इज द वैदिक इंजंक्शन। क्वालिफिकेशन होता है इंद्र का पद को प्राप्त करने के लिए, क्वालिफिकेशन। तो सगर महाराज वो एम लिया 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा। तो अश्वमेध यज्ञ का एक बहुत ही, ये क्या सिस्टम है इधर, ये अश्वमेध यज्ञ क्या, कि क्या किया जाता है, एक घोड़ा, अश्व, अश्व मतलब क्या, घोड़ा होता है, एक घोड़ा को छोड़ दिया जाता है। तो घोड़ा कहीं पर भी जाता है, कोई भी राज्य में जाता है, दूसरे राज्य में जाता है, अकेला घोड़ा जाता है। अगर घोड़ा को उस राज्य का जो राजा है वो कैप्चर कर लिया, उसका मतलब कि वो उस जो जिसने घोड़ा छोड़ा उसको, उसके साथ वो वार डिक्लेयर कर रहा है, युद्ध डिक्लेयर कर रहा है। अगर घोड़ा को कैप्चर नहीं किया तो उसका मतलब है कि उनका, उनके पास सरेंडर किया, वो उनके अधीन है, वो छोटा राजा है जो बड़े राजा का अधीन है। लेकिन कोई छोटा राजा अगर, जो बड़ा राजा जो जो अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा छोड़ा है, घोड़ा को इधर उधर जाने के लिए जो घोड़ा जो है उसको कैप्चर कर लिया अगर, और उसका पीठ में अगर बैठ गया, घोड़ा का पीठ में बैठ गया, तो बस इसका मतलब है that that small king is declaring war against the person, the king who is doing this Ashwamedh Yajna। तो ये Ashwamedh Yajna का सिस्टम है। तो ऐसे 99 Ashwamedh Yajna किया कौन, सगर महाराज। 100 करने का एम लिया था, लेकिन 99 करने के बाद एक अद्भुत घटना घट गया। तो श्रीमद् भागवतम में और एक जगह पे हम लोग देखते हैं कि 99 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद एक जन को रुकना पड़ा। कोई बोल सकता है कौन है, एनी गेस? ओके ओके, नोबडी। प्रभु, डिड कृष्णा लाइक कैच द लास्ट अश्वमेध यज्ञ, लाइक अश्व? नहीं नहीं, भगवान कृष्ण तो नहीं किया था अश्वमेध यज्ञ। बलि इतना दूर तक भागवतम कोई जानता नहीं है इधर पे। मैं भूल रहा हूँ कौन किया था। ओके, तो अश्वमेध यज्ञ किया, 99 तो कंप्लीट हुआ। 99 अश्वमेध कंप्लीट होने के बाद अब जो 100 अश्वमेध यज्ञ के लिए जो घोड़ा जब उसको छोड़ा गया, तब क्या हुआ, इंद्र को भनक लग गया कि ये सगर महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। तो इंद्र को अपना पोस्ट का बहुत ज्यादा घमंड है। एक्चुअली जो देवी देवताएं हैं, वो उनको तो बहुत पावर दिया है भगवान ने, लेकिन कभी बहुत बार क्या होता है कि देवी देवताएं अपने पावर को, अहंकार हो जाता है उनका पावर से, पोस्ट का एक अलग ही मतलब नशा चढ़ जाता है बहुत लोगों को, इस मेटेरियल वर्ल्ड में भी। हाँ, आप लोग जैसे जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लाइफ में, तो देखिएगा कि लोगों को पोस्ट का
नशा चढ़ जाता है और अहंकार हो जाता है पोस्ट का। कोई भी व्यक्ति को, एक तो कहावत है, किसी आदमी का कैरेक्टर अगर चेक करना है, कोई भी आदमी का कैरेक्टर अगर चेक करना है तो उनको पैसा दे दीजिए खूब और पावर दे दीजिए खूब, उसके बाद देखिए वो क्या करता है। पूरा पावर दे दीजिए और पैसा दे दीजिए, लॉट ऑफ मनी यू गिव हिम, लॉट ऑफ मैन पावर यू गिव हिम एंड लॉट ऑफ यू नो पोस्ट एंड पोजीशन यू गिव हिम। उसके बाद अगर वो कैरेक्टर ठीक रख पाता है तो समझिएगा कि वो आदमी में सही में बहुत बड़ा कैरेक्टर है। उतना आसान नहीं है, पावर और पोस्ट मिल जाता है जब, तभी लोग क्या होता है, अहंकार आ जाता है और वो अपना जो स्थिति है भगवान का दास का रूप में वो भूल जाता है। वो तो इंद्र जब देखा कि अरे मेरा पोस्ट लेने वाला है ये, तो वो घबरा गया बहुत। इंद्र नहीं चाहता है कि अपना पोस्ट को गवा दे, तो इतना नशा चढ़ जाता है इंद्र को पोस्ट का, पोस्ट के लिए। तो इंद्र क्या किया, जो जो 100 अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा है उसको चुरा के पाताल लोक में छिपा दिया, अंडरग्राउंड छिपा दिया। अभी सगर महाराज देख रहा है कि मेरा जो घोड़ा मैं भेजा वो तो आ ही नहीं रहा है, कहाँ चल गया। वो तो घोड़ा ऐसा रहता है कि वापस आता है, पूरा डिफरेंट डिफरेंट जगह घूम के फिर वापस आता है, लेकिन ये देख रहे हैं कि मेरा सगर महाराज देख रहे हैं कि मेरा घोड़ा तो वापस ही नहीं आ रहा है, कहाँ चल गया मेरा घोड़ा। तो सगर महाराज उनका जो 60,000 पुत्र है, 60,000 पुत्र को ढूंढने बोलता है कि तुम लोग जाके ढूंढो कि कहाँ पे है वो घोड़ा, अश्वमेध यज्ञ नहीं कर पा रहा हूं, सब लोग जाओ और ढूंढो कहाँ पे है उसको, घोड़ा को लेके आओ और फिर 100 अश्वमेध यज्ञ उसके बाद करेंगे। तो सभी 60,000 पुत्र सगर महाराज का वो निकल पड़ा घोड़ा ढूंढने, कहाँ गया कहाँ गया। सबसे बेस्ट घोड़ा चूज किया था 100 सैक्रिफाइस में, फाइनेस्ट हॉर्स। तो सगर महाराज का ये 60,000 पुत्र ढूंढ रहा है ढूंढ रहा है ढूंढ रहा है, और वो देखा कि कपिल मुनि का आश्रम जो गंगा सागर में है, कपिल मुनि का आश्रम, उसका नीचे उसका नजदीक में जो उसका अंडरग्राउंड में ये घोड़ा मिला। और जो 60,000 जो पुत्र था सगर महाराज का, वो सोचा कि ये कपिल मुनि एक्चुअली घोड़ा को चुराया है, ये सोच लिया। लेकिन ये सच्चाई नहीं था, कपिल मुनि घोड़ा नहीं चुराया था, इंद्र ने घोड़ा चुरा के कपिल मुनि का आश्रम का अंडरग्राउंड में घुसा दिया। अब कपिल मुनि को 60,000 पुत्र, अभी कपिल मुनि को जगा दिया, वो ऋषि मुनि तो वो तपस्या कर रहा था, ध्यान कर रहा था भगवान का, उनको जगा दिया और बोला कि आप क्या चोरी किए हैं ये घोड़ा को। तो कपिल मुनि बहुत गुस्सा गया, पूरा एकदम इतना गुस्सा गया कपिल मुनि कि उनका जो मतलब आँख का रोशनी से पूरा 60,000 जितना भी लड़का था एक सागर महाराज का, सब के सब पूरा राख में कन्वर्ट हो गया, सब छाई बन गया पूरा एकदम कपिल मुनि का तेज से, इतना गुस्सा से सबको जला के राख कर दिया पूरा। तो अभी अभी सब जल के राख हो गया, अभी क्या करेगा, कपिल मुनि का तपस्या भंग कर दिया था। तब जब सागर महाराज देखा कि उनका जो 60,000 पुत्र है जो वापस नहीं आ रहा है, तो उनका ग्रैंडसन, उनका जो पोता है अंशुमन, अंशुमन को भेजा। अंशुमन क्या था कि बहुत ये था, बहुत ही वो ब्रेव वो था, बहुत ही अच्छा
आदमी था अंशुमन, तो अंशुमन को भेजा कि देखो तुम्हारा अंकल लोग कहाँ गया है, अंकल लोगों को ढूंढो। तो अंशुमन निकल गया 60,000 अंकल्स को ढूंढने, और देखा कि कपिल मुनि का आश्रम में सब जल के राख हो गया है। तो ऋषि मुनि से, कपिल मुनि से वो क्षमा मांगा, अपना अंकल्स का होके क्षमा मांगा कपिल मुनि को। कपिल मुनि को शांत करने का कोशिश किया, क्षमा मांगा उनसे। तो कपिल मुनि से पूछा कि क्या किया जाए, हमारा अंकल्स को फिर कैसे इन लोगों को उद्धार कैसे किया जाए, क्योंकि सबको जला के राख कर दिया है कपिल मुनि। तो उनका जो आत्मा है वो स्वर्ग प्राप्ति नहीं होगा, अननेचुरल डेथ हुआ है उन लोग, स्वर्ग प्राप्ति कैसे होगा, ये पूछा कपिल मुनि से, अंशुमन पूछा। तो कपिल मुनि बोला कि अगर गंगा को अगर आप इस धरती पे ला पाएंगे, और गंगा का पानी जब ये राख से टच होगा, जो 60,000 सागर महाराज का संस का जो राख है, एसेस है, इस एसेस में जब गंगा का पानी टच होगा, तब जाके इनका जो 60,000 आत्मा है ये स्वर्ग का प्राप्ति कर पाएगा, कपिल मुनि ये बोले। तो अंशुमन पूरा लग गया क्या करने में, गंगा को लाने में कोशिश किया बहुत, कि कैसे गंगा आएगा इस पृथ्वी में, गंगा को लाने का बहुत कोशिश किया, लेकिन कोशिश किया लेकिन वो फेल हो गया। अंशुमन ये नहीं कर पाया, गंगा को बहुत तपस्या किया, कष्ट किया, लेकिन नहीं ला पाया गंगा को, फेल हो गया। तो अंशुमन के जो बेटा था वो फिर राजा बना, वो अंशुमन राजा बना था, राजा बनने के टाइम वो कोशिश किया था गंगा को लाने के लिए, लेकिन नहीं कर पाया। और उसके बाद अंशुमन के बाद उनका जो लड़का है दिलीप महाराज, वो दिलीप राजा बना, और दिलीप राजा भी बहुत कोशिश किया गंगा को लाएगा पृथ्वी लोक में, लेकिन नहीं ला पाया। वो भी, उसका भी एफोर्ट सक्सेस नहीं हुआ था। तो दिलीप का जो बेटा है भगीरथ क्या हुआ, भगीरथ जब राजा बना तो वो बहुत, उनका डिटर्मिनेशन था कि गंगा को लाएगा, गंगा देवी को पृथ्वी में लाएगा। तो भगीरथ महाराज क्या किया कि अपना राज्य को छोड़ दिया और जंगल में चला गया तपस्या करने, गंगा को लाने के लिए बहुत तपस्या किया। ब्रह्मा जी खुश हो गया, भगीरथ महाराज का तपस्या से ब्रह्मा जी खुश हो गया, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि गंगा को लाना चाहते हैं पृथ्वी लोक में। ब्रह्मा जी एग्री कर गया, प्रसन्न होके एग्री हो गया कि ठीक है, गंगा को हम अलाउ करेंगे पृथ्वी में जाने के लिए। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गया सामने, गंगा तो ऊपर में बह रहा था, स्वर्ग लोक में बह रहा था, जब स्वर्ग लोक से इस पृथ्वी लोक में जब आएगा तो गंगा का इतना ज्यादा फोर्स है जो पृथ्वी को अपना ऑर्बिट से हिला देगा, पृथ्वी को ही पूरा धो के लेके चला जाएगा, इतना ज्यादा फोर्स है गंगा का। वही कारण समुद्र का पानी है, ये कोई साधारण पानी नहीं है। तो अभी ब्रह्मा बोला कि अब क्या किया जाए, क्या उपाय है, अब तो पृथ्वी लोक में आएगा तो उसको धारण नहीं कर पाएगा कोई, इतना शक्ति किसी के पास नहीं है। तो इसके बाद वो कहा, किनको अप्रोच किया, शिव जी को अप्रोच किया। शिव जी एग्री किया कि हम अपना जटा में गंगा को धारण करेंगे, और जटा से जितना भी जो पानी जब गिरेगा वो पृथ्वी लोक में जब गिरेगा तो उसका फोर्स पृथ्वी लोक
से वो सहन कर पाएगा पृथ्वी। तो ये शिव जी, हाँ उनको गंगाधर बोला जाता है, तो शिव जी का कृपा से फिर गंगा पृथ्वी में आया। तो जहां पर अभी भगीरथ महाराज अभी गंगा को लेके जाने वाला है, जहां जहां पर भगीरथ महाराज जाएगा गंगा उसको फॉलो करेगा पृथ्वी लोक में आने के बाद। तो गंगा जी, गंगा देवी जब आ गया पृथ्वी लोक में, भगीरथ जिस रूट से जा रहा था उसका पीछे पीछे गंगा देवी जा रहा था। तो अभी क्या हुआ, जब भगीरथ जा रहा है तो भगीरथ जानू मुनि का आश्रम को पार किया। जानू मुनि का आश्रम पार करके वो चला गया और गंगा देवी पीछे पीछे आ रहा था। तो गंगा देवी जानू मुनि का आश्रम में घुस गया, पूरा पानी का पानी हो गया। जानू मुनि का जो ये है, जो तपस्या है, भंग हो गया। गंगा घुस गया है, पानी हो गया है। तो जानू मुनि इतना पावरफुल था, सेज था, इतना शक्तिशाली सेज था, वो क्या हुआ, पूरा गंगा का पानी को पी लिया, पूरा एकदम एक बार में ही पूरा गंगा का पानी को पी लिया, खत्म। कहां पर चला गया गंगा, मिल ही नहीं रहा है। भगीरथ महाराज देख रहा है पीछे पीछे गंगा आने का बात है, लेकिन गंगा क्यों नहीं आ रहा है, कहां चल गया गंगा। तो फिर देखा कि जानू मुनि गंगा को पी गया है पूरा एकदम। और ये जानू मुनि का आश्रम कहाँ पे है, वो नवद्वीप में आश्रम था, जानू द्वीप में उनका आश्रम था। नवद्वीप का जो 9 आइलैंड है उसमें एक आइलैंड का नाम है जानू द्वीप। तो यहाँ पर जानू मुनि का आश्रम था और यहीं पे जानू मुनि गंगा को पी गया था पूरा एकदम। तो भगीरथ महाराज फिर वापस जाके जानू मुनि से रिक्वेस्ट किया कि आप कृपा करके गंगा देवी को रिलीज कीजिए, बहुत कष्ट करके हम लोग लाए हैं, हमारा 10 कितना जेनरेशंस, एक के बाद एक जेनरेशन कष्ट करके गंगा देवी को आज आ रहा है पृथ्वी में, आप थोड़ा उसको रिलीज कर दीजिए गंगा देवी को। तो जानू मुनि, जानू मुनि गंगा को उसके बाद रिलीज कर दिया, इसलिए उनका गंगा का नाम हुआ जाह्नवी। जाह्नवी भी एक नाम है गंगा का। तो उसके बाद भगीरथ महाराज कपिल मुनि का आश्रम में आया भगीरथ महाराज, और वहां पे गंगा देवी उनका जो सागर महाराज का जो 60,000 पुत्र का जो एशेस था, राख था, उसमें टच किया गंगा देवी, और सभी सागर महाराज के जो बेटा थे सब लोगों को स्वर्ग प्राप्ति हो गया। और फिर जाके गंगा सागर में जाके मिलित हो गया, मिलन हो गया इस मकर संक्रांति के दिन, इसलिए गंगा सागर मेला होता है। और उस तिथि में जिस दिन गंगा समुन्द्र से मिलन हुआ, उसमें कोई अगर गंगा में स्नान करता है तो बहुत ज्यादा उनको उनका लाभ मिलता है। तो इसलिए गंगा सागर मेला हर साल होता है मकर संक्रांति के दिन। तो वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में बोल रहा है कि भगवान कृष्ण इस कलयुग में 4 फॉर्म्स में आया है, 4 फॉर्म में अपने आप को मैनिफेस्ट किया है, 4 फॉर्म में भगवान कृष्ण। वो 4 चीज क्या क्या है, पहला है श्रीमद् भागवतम। भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवतम का रूप में इस कलयुग में अपने आप को मैनिफेस्ट किया है। श्रीमद् भागवतम इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण, श्रीमद् भागवतम भगवान कृष्ण से अभिन्न है। तो किसी का भी घर में अगर श्रीमद् भागवतम सेट आ रहा है तो मतलब है कि भगवान कृष्ण उस घर में पदार्पण कर रहा है। श्रीमद् भागवतम पहला। सेकंड है तुलसी का पौधा का रूप में भगवान अपने आप को एक्सपांड किया है।
भगवान का नाम हरे कृष्णा महामंत्र अगर कोई तुलसी के सामने बैठ के चैंटिंग करता है तो उसका बहुत ज्यादा लाभ है, थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स मोर इफेक्टिव इट इज। थर्ड इज द डिवोटीज, भगवान के भक्त। भगवान अपने आप को अपना भक्त का माध्यम से कलयुग में सबके पास जा रहा है। तो देखिए भगवान का भक्त भगवान का जो बुक्स है भगवत गीता वो डिस्ट्रीब्यूट करता है और उसको पढ़ के सब भक्त बन जाता है, तो भगवान को अपना लाइफ में उसको मिलता है। तो भक्तों का माध्यम से अपने आप को विस्तृत किया है कलयुग में। और फोर्थ है गंगा, गंगा का माध्यम से। तो चार चीज क्या क्या है, श्रीमद् भागवतम, तुलसी, भक्त और गंगा, इस चार चीजों का माध्यम में भगवान कृष्ण ने अपने आप को विस्तृत किया है कलयुग में। तो गंगा देवी का जो कैरियर है उनका जो वाहन है वो क्या है, कोई बोल सकता है गंगा देवी का वाहन कौन है? हंस। हंस हंस तो क्रोकोडाइल है ब्रह्मा का कैरियर, हंस ब्रह्मा का कैरियर है हंस, और गंगा देवी का कैरियर है क्रोकोडाइल। यस क्रोकोडाइल, हाँ कौन बोला? Who told? Yes. Oh yes. Hare Krishna. Yes. Correct answer. Crocodile. So, वो crocodile गंगा का जो carrier है वो सादा कलर का है crocodile. White कलर का है और उनका नाम है मकर, उस crocodile का नाम है मकर। तो ये गंगा देवी जो है वो कर्दम मुनि जो ब्रह्मा का पुत्र है कर्दम मुनि उनका वंशज में आता है, उनका लिनियज में आता है। कर्दम मुनि देवहूति के साथ शादी किया, तो कर्दम मुनि और देवहूति का पुत्र है कपिल, लॉर्ड कपिल भगवान का अवतार, उसी लिनियज में गंगा आ रहा है। तो गंगा देवी का एक्चुअल नाम है देवकुल्य, देवकुल्य। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में राधा रानी, श्रीमती राधा रानी अपने आप को चार रूप में एक्सपेंड कर रहा है, गंगा, सरस्वती, सावित्री और लक्ष्मी, इस चार रूप में। गंगा देवी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी है, तो इस चार रूप में गंगा, सरस्वती, सावित्री और लक्ष्मी, इस चार रूप में अपने आप को एक्सपेंड किया है श्रीमती राधा रानी। और गोलोक वृंदावन में गंगा एक मंजरी का रूप में भगवान का सेवा करता है, मंजरी जो सखियों का सर्वेंट्स है, वरा प्रेम मंजरी उनका नाम है। गंगा देवी वो वरा प्रेम मंजरी के रूप में भगवान कृष्ण का सेवा कर रहे हैं गोलोक वृंदावन में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो ऐसे गंगा देवी का बहुत सारा लीला है। ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगा देवी का विशेष लीला, और भी बहुत सारा लीला है गंगा देवी का, लेकिन मकर संक्रांति के दिन और कुछ लीला भी हम थोड़ा बोलने चाहेंगे, यद्यपि ज़्यादा टाइम नहीं है। तो इस मकर संक्रांति के दिन भीष्म पितामह 12 महाजन हैं, श्रीमद् भागवतम में 12 महाजन का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, 12 महाजनस आर देयर। महाजन कौन है? महाजन है जो भगवान का भक्ति कैसे किया जाता है उसको, उसका जो अथॉरिटी है उसको जो जो सिखाते हैं, 12 महाजन हम लोग को सिखाते हैं भगवान के पास कैसे अप्रोच किया जाता है। तो उस 12 महाजन में भीष्म पितामह एक महाजन है, शिव जी है इस लिस्ट में, ब्रह्मा जी है इस लिस्ट में, यमराज है इस लिस्ट में,
बारह महाजन का लिस्ट में। तो जब श्रीमद् भागवतम में अजामिल का उपाख्यान आता है उसमें ये वर्णन दिया है कि बारह महाजन कौन कौन है। यमराज ये चीज बोलता है, बारह महाजनों का लिस्ट यमराज बोल रहा है। तो उसमें एक नाम है भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह जब अर्जुन उसका उनका पूरा शरीर में पूरा एकदम तीर भेद कर दिया था, पूरा एकदम सर से लेकर पैर का नाखून तक हर जगह पे तीर लगा हुआ था, किनका? भीष्म पितामह का। और वाण का शैया में लेटा हुआ था भीष्म पितामह। उस भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, इच्छा मृत्यु। कभी भी वो चाहेगा अपने हिसाब से वो लाइफ को समाप्त कर सकेगा, इच्छा मृत्यु था उनका। तो भीष्म पितामह वेट कर रहा था कि कब ये मकर संक्रांति का तिथि आएगा, उसके लिए वेट कर रहा था भीष्म पितामह। उसी दिन शरीर को छोड़ा और भगवान उनका सामने खड़ा था, भगवान कृष्ण उनका सामने खड़ा था। भगवान को देखते हुए इसी तिथि पे भीष्म पितामह शरीर छोड़ के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लौट के गया। तो ये लीला हुआ था मकर संक्रांति के दिन। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीला हुआ था मकर संक्रांति के दिन, तो वो लीला है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु इस मकर संक्रांति के दिन सन्यास लिया था। सन्यास लीला हुआ था भगवान चैतन्य महाप्रभु का। बहुत ही खूबसूरत ये लीला है, लेकिन ये कष्टदायक है भक्तों के लिए, बहुत कष्टदायक लीला है कि भगवान सन्यास ले रहा है। इतना कष्ट कर, ये ऑस्टेरिटी कर रहा है भगवान। भगवान का भक्त ये चाहता नहीं है कि भगवान इतना कष्ट करे, सन्यास क्यों ले भगवान। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु कलयुग का जीवों को उद्धार करने के लिए सन्यास लिया था। और सन्यास लेने के बाद भगवान ने हरे कृष्ण महामंत्र को पूरा भारत में हरेक जीव के पास लेके गया और उद्धार किया भारतवासियों को। तो चैतन्य महाप्रभु का ये सन्यास लीला के थोड़ा मैं डिस्क्रिप्शन मैं दूंगा कैसे ये लीला हुआ था। तो मकर संक्रांति का तिथि में, तो उसके पहले दिन एक्चुअली ये भगवान डिसाइड कर लिया था कि सन्यास लेगा। तो उन्होंने डेट भी फिक्स कर लिया, मकर संक्रांति के दिन सन्यास लेना है। उसके कुछ दिन पहले नित्यानंद प्रभु को बुलाया, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बुलाया और नित्यानंद प्रभु को बोला कि मैं सन्यास लेने वाला हूँ, लेकिन ये खबर तुम सिर्फ पांच भक्तों को बोलना, सिर्फ पांच भक्तों को। कौन कौन पांच भक्त? एक है सची माता, एक है चंद्रशेखर आचार्य, एक है ब्रह्मानंद, अद्वैता आचार्य। ऐसे पांच भक्तों को, श्रीवास ठाकुर, पांच भक्तों को बोला कि नित्यानंद तुम सिर्फ पांच भक्तों को बताना कि हम सन्यास लेने वाले हैं, उसके अलावा किसी को मत बताना। तो नित्यानंद प्रभु बताया, पांच भक्तों को जाके बताया कि महाप्रभु सन्यास लेने वाला है। वो खबर सुन के पूरा नवद्वीप वो पांच भक्त बहुत शौक हो गया कि भगवान हम लोग के साथ नहीं रहने वाला है। सची माता ये सुन के, भगवान चैतन्य महाप्रभु के माता माँ है सची माता, सुन के बहुत कष्ट हुआ उनको। भगवान मेरा निवाय मेरे साथ नहीं रहने वाला है, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ उनको बात सुन के, संन्यास लेने वाला है निवाय। तो ये मकर संक्रांति के पहले दिन, उसके पहले उस दिन क्या हुआ कि
जब माता को बोला कि आपका बेटा निमाज संन्यास लेने वाला है, अभी सची माता उनसे पूछ नहीं पा रहा है निमाज से कि बेटा तुम सही में संन्यास लेने वाले हो, हम लोग को छोड़ के चले जाने वाले हो। तो चैतन्य महाप्रभु 24 साल का उम्र में संन्यास लिया था, 24 इयर्स एज में। टोटल चैतन्य महाप्रभु 24 इयर्स में संन्यास लिया था। तो अभी खबर आया सची माता के पास, सची माता एक मौका ढूंढ रहा था, मैं अपने बेटा से पूछूं कि सही में संन्यास लेने वाला है, मेरे को छोड़ के जाने वाले हैं। तो मकर संक्रांति का दिन आ गया, तो उस दिन माँ सची माता मौका ढूंढ रहा है पूछने के लिए और उनको रोकने के लिए, तो महाप्रभु मौका ही नहीं दे रहे हैं। सुबह होते ही कीर्तन स्टार्ट कर दिया महाप्रभु, कीर्तन कीर्तन में व्यस्त हो गया महाप्रभु, सभी भक्तों के साथ कीर्तन कर रहा था भगवान चैतन्य महाप्रभु, सारा दिन कीर्तन किया, पूरा दिन कीर्तन किया। शाम हो गया, शाम के टाइम पे कीर्तन के बाद सची माता सोच रहा है अभी मौका है निमाई से पूछने का, लेकिन उसके बाद गंगा स्नान में चला गया चैतन्य महाप्रभु, निमाई मौका ही नहीं दे रहा है। गंगा स्नान किया मकर संक्रांति के दिन और फिर गंगा स्नान से लौटा, तो सभी भक्त उनको पूरा उनका पूरा आसपास पूरा भक्तों से भर गया, पूरा उनको देखने पूरा गांव से पूरा बंगाल से और पूरा ना जाने कहां कहां से सब लोग आ गया निमाई को देखने, भगवान को देखने। भगवान इतना अट्रैक्टिव है, इतना अट्रैक्टिव है, कृष्णा मीन्स ऑल अट्रैक्टिव, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु मीन्स ही इज लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ, नो डिफरेंस एट ऑल। तो कृष्ण सबको अट्रैक्ट कर रहा था, इतना खूबसूरत उनको देखने, जो भी उनको देख रहा था पूरा देखते ही पूरा एकदम स्टंड हो जा रहा था, देखते ही उनको मूर्छित हो जा रहा था पूरा, देश विदेश से सब जगह से मतलब देवता लोग भी मनुष्य का रूप में आ गया उनको देखने। तो चैतन्य महाप्रभु सबको अट्रैक्ट कर रहा था उस दिन, कृष्ण का अट्रैक्टिव पोटेंसी पूरा मैनिफेस्ट कर दिया भगवान ने। कृष्णा मीन्स ऑल अट्रैक्टिव, ऑल अट्रैक्टिव, ही वाज कमिंग टू सी। उसके बाद पूरा रात होने लगा, जब रात के 11 बज गया तब श्रीधर कोलावेचा उनके पास आया, वहां पे आया श्रीधर कोलावेचा, बहुत ही फेमस डिवोटी श्रीधर कोलावेचा, महाप्रभु के पार्षद, वो केला बेचता था, तो बहुत गरीब था लेकिन केला बेचता था, केला बेच के जितना इनकम होता था उसका आधा भगवान के सेवा में देता था और आधा से मेंटेनेंस करता था अपना, 50% भगवान के सेवा में देता था जितना भी इनकम था उनका, श्रीधर केला बेचा का। तो श्रीधर कोला बेचा वो जो भी लाता था भगवान चैतन्य महाप्रभु उसको एक्सेप्ट करता था, हर दिन केला लाता था, लेकिन कोई किसी दिन कोई सब्जी लाया कुछ लाया भगवान उसको एक्सेप्ट करता, किसी का और हाथ किसी का चीज एक्सेप्ट करे ना चाहे श्रीधर कोला बेचा का जो भी चीज था वो एक्सेप्ट करता था भगवान चैतन्य महाप्रभु। तो इस तरीके से उस दिन रात में 11 बजे श्रीधर कोला बेचा लौकी लेके आ गया, लौकी लेके आ गया, लाओ लाओ लेके आ गया लौकी। एक तो बंगाल में एक तो गाना है, साधेर लाओ बनाइलो मोरे बैरागी, ये लीला हमको लग रहा है कि चैतन्य महाप्रभु का लीला से ही आया,
ये लौकी और वैराग्य संन्यास में बहुत इससे कुछ अजीब सा लिंक है। तो कोई बोलता है कि लौकी खाने पर वैराग्य बढ़ता है, लाव खाने पर वैराग्य बढ़ता है, कोई कोई बोलता है, पता नहीं सच्चाई है कि नहीं। अगर सब कोई खा के वैराग्य हो जाता तब तो पूरा दुनिया ही सन्यासी हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बट देयर इज अ लिंक। तो श्रीधर कोला बेचा लौकी लेके आया रात में, और चैतन्य महाप्रभु उस दिन उनको लगा कि रात में रात हो गया है, तो लौकी का हलवा खाने का उनका इच्छा हुआ चैतन्य महाप्रभु का, लाव का हलवा। तो सची माता से बोला कि ये लौकी का हलवा बना दीजिए। तो सची माता उनको पूछने वाला है, निवाय तुम संन्यास वाला है क्या? निवाय सारा दिन मौका ही नहीं दिया भगवान। तो जब लौकी लाया सीधर कोला बेचा, तो उस टाइम पे चैतन्य महाप्रभु बोला कि मम्मी को बोला, उनका माता को बोला कि लौकी का हलवा बना दीजिए। माँ सची बोला कि अभी तो चीनी नहीं है, दूध नहीं है, कैसे हलवा बनाएंगे, चीनी दूध नहीं है, ये एक्सक्यूज दे रहा था एक्चुअली। सची माता को पूछना था, निमाई के साथ पर्सनली पूछना था कि तुम संन्यास लेने वाला है, लेकिन क्या हुआ उस टाइम पे एक जन और एक भक्त आ गया, गुड़ और दूध लेके आ गया, गुड़ और दूध लेके आ गया और एक भक्त। तो सची माता को उपाय नहीं था, अभी लौकी का हलवा बनाना ही था उनको। तो बहुत ही सुंदर से लौकी का हलवा बना दिया और निमाई उस लौकी का हलवा को खाया, एक्सेप्ट किया भगवान ने। और रात में जब सब कोई चला गया, फिर जब निमाई जब घर पे घुसा, तो उनका वाइफ विष्णुप्रिया देवी, अब सोचिए कि निमाई दो बार शादी किया था निमाई पंडित भगवान ने, पहले लक्ष्मी प्रिया के बाद विष्णुप्रिया देवी, तो दो शादी किया था निमाई ने। तो लक्ष्मी जब चैतन्य महाप्रभु एक बार निमाई जब एक बार बांग्लादेश चला गया था, बंगाल में बांग्लादेश की तरफ चला गया, तो उनका विरह में लक्ष्मी प्रिया देवी प्राण त्याग दिया था, इतना विरह हुआ उनको। तो फिर शादी किया विष्णुप्रिया को शादी किया फिर निमाई पंडित ने। विष्णुप्रिया देवी 16 साल का थी, 16 ईयर्स एज। जब चैतन्य महाप्रभु डिसाइड कर रहा है कि संन्यास लेगा, 16 ईयर्स एज, ओनली 16 ईयर्स विष्णुप्रिया देवी वाज, और घर में कोई नहीं है। निमाई का बड़ा भाई वो संन्यास ले लिया था, जो सची माता का बड़ा लड़का जो था वो संन्यास ले लिया था, विश्वरूप नाम था उनका, विश्वरूप संन्यास ले लिया था। तो निमाई पंडित सची माता बहुत डर जाता था कि निमाई ने संन्यास ले ले कभी, मेरा छोटा बेटा ना संन्यास ले ले कभी, इसलिए डर जाता था, बहुत डरता था। तो अभी चैतन्य महाप्रभु वो डिसाइड कर लिया संन्यास लेगा, घर में माँ है और एक वाइफ है, 16 साल का वाइफ है, यही दो फीमेल मेंबर्स था घर पे, और एक जो मेल मेंबर था जो घर में सेवा करता था, ईशान ठाकुर, वो घर पे सेवा करता था, मेल वो सेवक था, सर्वेंट था, और कोई नहीं था, और दो ही फीमेल मेंबर्स, अर्निंग मेंबर एक ही जन चैतन्य महाप्रभु, अर्निंग मेंबर, और कोई अर्निंग मेंबर नहीं है। चैतन्य महाप्रभु एक अर्निंग करता था कि थोड़े अर्निंग करता था, भगवान तो हर समय लीला करता था, संकीर्तन लीला। तो लड़का और कोई नहीं था घर पे, एक सर्वेंट ईशान ठाकुर। सोचिए उस अवस्था में भी भगवान ने एक बार भी नहीं सोचा कि पूरा डिसाइड कर लिया भगवान ने संन्यास लेना है। सोचिए
कैन यू इमेजिन दैट, 16 साल का वाइफ है और घर पे बूढ़ी माँ है, कोई घर पाएगा संन्यास लेने? कितना लोग सोचे, लोग बोले कितना निष्ठुर है, कितना कठोर है, ऐसे 16 साल का बीवी को और माँ को घर में छोड़ के संन्यास ले लिया भगवान। तो भगवान को ये प्रतिष्ठा कर रहा था भगवान, कृष्ण इज द मेंटेनर ऑफ एवरीवन, कृष्ण विल मेंटेन एवरीवन। तो भगवान जब अंदर आया घर पे, तो विष्णु प्रिया देवी घर में था, अंदर रूम में था, रूम में थी, तो विष्णु प्रिया देवी रोने लगा, क्या संन्यास लेके चले जाएंगे? तो चैतन्य महाप्रभु बोला, आपको कैसे पता, हम तो 5 जन को बोले थे, उस 5 जन में तो आपका नाम नहीं है। विष्णु प्रिया देवी को पता चल गया सच्ची माता से। विष्णु प्रिया देवी इतना रोने लगा, फिर उनको पैसिफाई किया चैतन्य महाप्रभु, फिर उनका एनर्जी से, चैतन्य महाप्रभु अपना एनर्जी से उनको सुला दिया, विष्णु प्रिया देवी को सुला दिया। फिर रूम से जब बाहर निकलने वाला था, उस टाइम पे सची माता आ गया, बोला निमाय तुम संन्यास लेने वाले? बहुत रो रहा था सची माता, बहुत रो रहा था संन्यास लेके चले जाने वाले होते। तो निमाय पंडित चैतन्य महाप्रभु बोला कि आप तो मेरे माँ हैं, जन्म जन्म पर आप मेरे माँ हैं, इस लीला में नहीं, पिछले लीला में भी आप माँ यशोदा थे, तो आपके साथ तो लीला चलता जाएगा, इस लीला में हमको संन्यास लेना है। तो माँ यशोदा को, सॉरी सची माता को स्पेसिफाई करने का कोशिश किया भगवान निमाय, और फिर ये बोल के निमाय चला गया घर से, घर से चला गया गंगा में, गंगा का तट पार किया, गंगा पे पूरा जंप लगा दिया भगवान ने, और कोई नाव नहीं था, रात का टाइम था, रात का 3 बज रहा था ऑलमोस्ट, तो गंगा में जंप कर दिया, कोई नाव नहीं था, गंगा में जंप करके पूरा स्विमिंग करके गंगा को पार कर दिया, और 40 किलोमीटर दौड़ने लगा भगवान, 40 किलोमीटर डिस्टेंस है नवद्वीप से काटोआ। नेक्स्ट दिन सुबह में काटोआ में गया, केशव भारती से संन्यास लिया चैतन्य महाप्रभु। तो जो 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 बाल मुंडन कर रहा था, जो व्यक्ति, जो भक्त चैतन्य महाप्रभु का, वो मुंडन नहीं कर पा रहा था, इतना सुंदर बाल था चैतन्य महाप्रभु का, इतना सुंदर घुंघरालो बाल, जो दिव्य है, जो ट्रांसेंडेंटल है, स्पिरिचुअल है, जो उनको वो काटने में वो उसका शक्ति नहीं हो रहा था, रो रहा था, वो पूरा हाथ कांप रहा था उसका। चैतन्य महाप्रभु बोला काटो, बहुत कष्ट से बाल काटा, पूरा मुंडन किया, वही भगवान का जो जो बाल का जो समाधि अभी भी काटोआ में है, उनका जो हेयर्स, बाल का समाधि। और भगवान इस तरीके से केशव भारती से संन्यास लिया, और संन्यास लेके उनका माता, सची माता का रिक्वेस्ट में पुरी में रहने का डिसाइड किया, जगन्नाथपुरी में, ताकि उनका खबर मिल सके सची माता को, रेगुलर बेसिस में उनका खबर मिल पाए। तो ये बात जब फैल गया पूरा नवद्वीप में कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिया है, तो सब नवद्वीप वासी काटोआ आ गया, सब लोग पूरा बोला कि हम लोग भी संन्यास ले लेंगे, महाप्रभु छोड़ के चला जा रहा है हम लोग को, निमाय हम लोग को छोड़ के चला जा रहा है, हम लोग सब संन्यास ले लेंगे। नित्यानंद प्रभु रोका, नित्यानंद प्रभु तो बलराम जी हैं स्वयं, कृष्ण जब कालिया दमन करने के लिए चला गया था, कालिया का
यमुना में छलांग लगा दिया था, तो सब ब्रजवासी भी सोचा कि कृष्ण मर जाएगा, तो वो लोग भी कृष्ण को ढूंढने के लिए नदी में जाम करने वाला था, लेकिन बलराम जी आके रोका। अभी इस चैतन्य लीला में सब लोग बोल रहा है, नवद्वीप वासी बोल रहे हैं कि हम लोग भी संन्यास ले लेंगे, तो नित्यानंद प्रभु रोका कि चिंता मत करो, हम निमाय को वापस लेके आएंगे, ऐसे ऐसे बोला। तो सब लोग का नित्यानंद प्रभु के ऊपर बहुत भरोसा था, तो सब लोग उसके बाद रुक गया, लेकिन सब लोग काटवाच गया जहाँ पे भगवान का संन्यास लीला हुआ था। और इस तरीके से केशव भारती से चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिया, और संन्यास लेने के बाद पूरा जहाँ पर भी भगवान ने गया 6 साल कंटिन्यूअस ट्रैवल किया चैतन्य महाप्रभु, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इंडिया का जहाँ पर भी गया सबको कृष्ण प्रेम में डुबो दिया। जो भी भगवान को देखता था, जो भी भगवान को टच करता था, सब लोग कृष्ण प्रेम में पूरा पागल हो गया। चैतन्य महाप्रभु एक ही चीज बोलते थे, इफ यू लव मी देन ऑलवेज चैंट कृष्णा कृष्णा सततम कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। तो भगवान का ये लीला संन्यास लीला इसी दिन हुआ था, ये मकर संक्रांति के दिन। तो ये सब लीला और भी बहुत सारा कुछ कुछ और भी लीला हुआ है जो मैं आज कवर नहीं कर पा रहा हूँ। तो बहुत ही पुण्य तिथि है ये, और हम लोग इस दिन से हम लोग प्रतिज्ञा ले सकते हैं कि भगवान का भक्ति में और प्रगति करेंगे, अपना जो राउंड्स है वो इंक्रीज कर सकते हैं इस दिन से। कोई 8 माला चैंटिंग करता है तो 10 माला 12 माला का प्रतिज्ञा ले सकता है, कोई 12 माला कर रहा है तो 16 माला चैंटिंग करने का प्रतिज्ञा ले सकता है, कोई प्रभुपाद का बुक्स नहीं पढ़ रहा है तो इस दिन से प्रतिज्ञा ले सकता है कि प्रभुपाद का बुक्स पढ़ना है। भक्ति का जो 5 अंग है सबसे इम्पोर्टेंट है, रूप गोस्वामी बता रहा है, एसोसिएशन विद डिवोटीज, भगवान के भक्तों का संग करना, उसके बाद श्रीमद् भागवतम सुनना, भगवान का कथा सुनना, भगवान से कनेक्टेड कोई जगह में निवास करना, उसके बाद भगवान का श्री विग्रह का पूजा करना, और 5th है भगवान का नाम जप करना। ये 5 प्रोसेस सबसे पावरफुल प्रोसेसेस है भगवान का भक्ति का। तो कोई अगर चैंटिंग कर रहा है बढ़िया से और प्रभुपाद का बुक्स पढ़ रहा है और भगवान के बारे में सुन रहा है और घर को भगवान का मंदिर बनाने का कोशिश कर रहा है, या फिर ऐसा जगह पे रह रहा है जो भगवान से कनेक्टेड है, जो भगवान से भगवान का जहाँ पे वास है, निवास है, और भगवान के भक्तों के साथ एसोसिएट जो कर रहा है, संग ले रहा है भगवान के भक्तों का, तो ये 5 चीज अगर कोई प्रैक्टिस करता है, श्रील प्रभुपाद इतना आसानी से दिया है इस इस्कॉन मूवमेंट के माध्यम से, इसी से हम लोग का जीवन सफल हो सकता है और भगवान के प्रति हम लोग का प्रेम डेवलप कर सकता है। और इसी चीज के लिए ही भगवान चैतन्य महाप्रभु इस मेटेरियल वर्ल्ड में आए हैं और हम लोग को उद्धार करने के लिए इतना कष्ट करके संन्यास लिया। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ही बोला कि मेरा एक सेनापति भक्त आके पूरा दुनिया में हरे कृष्ण महामंत्र फैलाएगा और दुनिया में कृष्ण भावनामृत आंदोलन को लेके जाएगा। श्रील प्रभुपाद का कृपा से हम लोगों को चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिल रहा है, तो हम लोग को इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना है। जहाँ पर भी है हम लोग अभी, उस जगह से ही भगवान के प्रति हम लोग भक्ति कर सकते हैं और भगवान के पास हम लोग कॉन्शियसनेस को भगवान के प्रति और भी आगे लेके जा सकते हैं बाय चैंटिंग, रीडिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स एंड
hearing about Krishna more and more. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.